हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे तो जैसे सार संग्रह जो सिक्स से ट्वेल्व का ये एपिसोड चल रहा है तो ये आज हम इस एपिसोड में मध्यकालीन भारत का ये दूसरा एपिसोड करेंगे इसके पहले एक एपिसोड ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जिसका आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसके लिंक के थ्रू या प्ले में जा करके आप लोग उसको देख सकते हैं ठीक है अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और अपनी सुझाव कॉमेंट सेक्शन में चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम हिस्ट्री का ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एपिसोड में विजयनगर सम्राज टॉपिक का नाम है विजयनगर सम्राज तो इससे देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं पूछे जा सकते हैं तो उसको देखेंगे हम ठीक है तो पहला प्रश्न है कि विजयनगर नगर की स्थापना कब और किसने की थी तो वर्ष तेरह में हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था तो बुक्का प्रथम था जो बिज... चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था नेक्स्ट है कि अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है तो बुक का प्रथम को कहा गया है हरिहर ने विजयनगर यानी कि हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था और विजयनगर के के ध्वंसावशेष को हम्पी में विद्यमान है मतलब ध्वंस जो हुआ ना उसको विध्वंस किया गया तो उसका शेष जो कहाँ पे है अवशेष जो है वो हम्पी में विद्यमान है नेक्स्ट है कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमन बहमानियों से बहमानियों से गोवा को छीना था तो हरिहर द्वितीय था प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है तो हम्पी में अवस्थित है नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया तो कुली कुतुब शाह के साथ किया आगे देखते हैं एक तरफ वंश है और उसके संस्थापक है फिर समय है और उसके अंतिम शासक कौन थे जैसे कि संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम को माना जाता है समय जो उनका था वो तेरह सौ छत्तीस से तेरह सौ छप्पन ईस्वी है और अंतिम शासक जो संगम वंश का था वो वीरूपाक्ष द्वितीय था सालो वंश की बात करें तो संस्थापक सालोव नरसिंह था जिसका समय टाइम पीरियड चौदह सौ पचासी से पंद्रह सौ पांच ईस्वी तक था और अंतिम शासक इमाड़ी नरसिंह था तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था जो 1507 से पंद्रह तक उसका टाइम पीरियड था और अंतिम शासक राय था। इनकी का अंतिम शासक शासक सदाशिव सदाशिव राय राय था था वंश वंश का का अराविडु संस्थापक तिरुमल था और 1570 के बाद से इसका समय चालू हुआ और अंतिम शासक जो था उसका रंग तृतीय था नेक्स्ट देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी तो भू राजस्व इसकी मुख्य मुख्य विशेषता थी नेक्स्ट देखते हैं कि कृष्णदेव राय के दरबार में आठ तेलुगु ते कवियों को क्या कहा जाता था तो अष्ट दिग्गज कहा जाता था नेक्स्ट है कि तालीकोटा यानी कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था तो वर्ष पंद्रह सौ पैंसठ ईस्वी में हुआ था फिर नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजवंश कौन कौन है तो यात्री मतलब उसके विषय में कौन कौन से यात्री लिखते हैं तो यात्री जो था वो निकोलो कौंटी था इटली का रहने वाला था और इसके जो जो जब ये आया हुआ था तो कौन देवराय प्रथम उस समय का शासक था और और इसने क्या किया कि विजयनगर शहर का इन्हें इन्होंने वर्णन किया यानी कि निकोलो कॉन्टी ने नेक्स्ट देखते हैं कि अब्दुल रजाक था ये फारस का था और इसके समय शासक जो देवराय द्वितीय थे और विजयनगर सचिवालय का इसने वर्णन किया है पायस को देखते हैं तो ये पुर्तगाली था और कृष्णदेव राय के दरबार में आया हुआ था उसके बाद से ये विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन करता है पुर्तगाली था कृष्णदेव राय इस समय के शासक थे और सती प्रथा का इसने वर्णन किया है सीजर फ्रेडरिक जो पुर्तगाली था और इस समय जो शासक थे वो सदाशिव राय थे और विजयनगर साम्राज्य का इसने क्या किया है कि वर्णन किया है नूनित जो था वो पुर्तगाली था और अच्युत देव राय उस समय शासक थे और सती प्रथा का भी इसने इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया और सती प्रथा का उल्लेख सती प्रथा का उल्लेख किया और बारबोसा ने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है जो पुर्तगाली का था कृष्ण देवराय उस समय के शासक थे और नूनज ने भी किया है ये भी पुर्तगाली थे और अच्युत देवराय इस समय के कौन थे तो इस समय के शासक थे निकितन जो था निकीतन जो रूस का था और मोहम्मद तृतीय इसके मतलब शासक थे उस समय के और विजयनगर की असमानता का वर्णन किया है नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था तो विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था जब राजा वाड़ियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो विजयनगर साम्राज्य सम्राज का शासक कौन था तो वेंकट तृतीय था नेक्स्ट देखते हैं सॉरी वेंकट द्वितीय था नेक्स्ट देखते हैं कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभिग्ञानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन है तो गंगा देवी है होयसेलो की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है तो हेलविड है विजयनगर की प्राचीन राजधानी के कि स्रोत किन खंडहरों से मिले हैं तो हम्पी के खंडहरों से वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया किसके द्वारा तो विजयनगर के राजाओं द्वारा यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि संस्थापक है और स्थापना कब हुआ था फिर राजवंश कौन सा था फिर राजधानी क्या थी और विलय कहाँ पे हुआ जैसे कि बरार का संस्थापक फताहुल्ला हिमाद शाह था इसकी स्थापना चौदह ईस्वी में हुई थी राजवंश जो था हिमाचाही राजवंश था राजधानी एलिजपुर और और गाविलगढ़ था और विलय जो था वो पंद्रह सौ चौहत्तर ईस्वी को अहमदनगर में हो गया था और बीजापुर की बात करें तो यूसुफ आदिल खान जो था इसका संस्थापक था स्थापना जो चौदह सौ नवासी ईस्वी में हुई थी राजवंश जो है वो आदिल शाही राजवंश है राजधानी है वो नौरसपुर है और विलय जो है सोलह सो छियासीवी में औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में हो गया अहमदनगर की बात करें तो मलिक अहमद इसका संस्थापक था संस्था जो इसकी स्थापना जो हुई थी वो ईस्वी में हुई थी राजवंश जो था वो निजाम शाही राजवंश था राजधानी जुन्नार अहमदगढ़ अहमदनगर और विलय जो था सोलह सौ सो तैतीस ईस्वी को राज शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया अगर गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा का संस्थापक कु, आ, कुली कुतुब कुली कुतुब शाह था स्थापना जो पंद्रह सौ बारह ईस्वी में हुई थी इसने कुतुब शाही वंश की स्थापना किया राजधानी गोलकुंडा थी और विलय जो था वो सोलह सो सन्ता को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया विदर की बात करें तो विदर का संस्थापक अमीर अली वरीद था अमीर अली वरीद था स्थापना जो बरीदीस में हुई थी राजवंश जो था वो बरीदशाही राजवंश था।, था और राजधानी विदर था और विलय जो था सोलह सो अठारह ईस्वी को बीजापुर में इसका हो गया विजयनगर साम्राज्य तेरह सो छत्तीस और सोलह सौ छियालीस ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत के प्रमुख साम्राज्य था नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में प्रशासन तो दिल्ली सल्तनत में प्रशासन देखते हैं तो जैसे कि कौन सा विभाग का आ, मतलब कौन सा अधिकारी होता था वही देखेंगे जैसे दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में से हुई थी तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल से हुई थी सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग थे तुर्क वर्ग के थे फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्म धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपने वजीर नियुक्त किया तो तैलंग ब्राह्मण खाने जहां विजारत जो था उसका चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ तो उसका तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था तो चौधरी होता था हक ये सर्व किस पर लगाया जाता था तो सिंचाई पर लगाया जाता था नेक्स्ट देखते हैं कि इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार जैसे कि जजिया कर जो होता था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जकात जो कर था वो मुसलमानों से उनके आय का टू पॉइंट फाइव परसेंट स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था और खुम्स जो था खम्स या खुम्स जिसको बोलते हैं उसके लूट से प्राप्त धन को खुम्स बोला जाता था इसकी एक बटा पांचवें हिस्से को सुल्तान एवं चार बटा पांचवें हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था परंतु अलाउद्दीन काल के में केवल एक बटा पांच हिस्सा को दिया जाता था खीराज, खीराज या खराज या जिसको बोलते हैं वो क्या था वो भू राजस्व था जो गैर मुस्लिम जो थे उनसे ये वसूला जाता था नेक्स्ट देखते हैं कि पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासन किस शासक के शासन काल में हुआ तलाउद्दीन मसूद शाह के शासन काल में हुआ इलतुतमिस ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक दो सिक्के चलाए थे सल्तनत काल में फवाजिल कर था इक्तवार द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि जवाबित का संबंध है राजकीय कानून से बीपीएससी में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की की स्थापना किस शासक ने थी तो बल्ब ने की थी नेक्स्ट देखते हैं कि सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग कौन कौन से थे दीवान बिजारत वित्त विभाग था दीवान भी भी रियासत नियंत्रण विभाग था दीवान ए मुस्तक राजकीसों से बकाया भू राजस्व वसूलना दीवान ए को, को हम लोग कृषि के विकास के लिए जानते हैं दीवान कजा न्याय विभाग होता था दीवान हिंसा जो होता था पत्राचार विभाग होता था दीवाने अर जो होता था वो सैन्य विभाग होता था दीवान रिसालत जो होता था वो विदेश विभाग होता था दीवान ए वरिद होता था गुप्तचर विभाग होता था दीवान बंदगान जो होता था दास विभाग होता था एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि याद हो जाए तो सल्तनत शासन के प्रमुख जो विभाग कौन कौन से थे तो दीवान विभाग होता था दीवान मुस्तक राज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना दीवान कृषि के विकास के लिए विभाग जो होता था, था। दीवान कजा जो होता था न्याय विभाग दीवान हिंसा पत्राचार विभाग दीवान अर्ज सैन्य विभाग दीवान रिसालत जो होता था विदेश उसको बोलते हैं तो विदेश विभाग होता था दीवाने जो होता था वो गुप्तचर विभाग होता था दीवाने बंदगाह दास विभाग होता था नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इल्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी तो इल्तुतमिश ने इसको प्रारंभ की थी सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी तो सुल्तान में निहित होती थी सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था तो मजलिस से खलवत के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट है कि एकता दारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी तो बलबन के द्वारा नियुक्ति की गई थी सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समान्यता कितनी होती थी तो 20 से 25 प्रतिशत होती थी सल्तनत काल के कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम देख लेते हैं जिन अधिकारियों को किस किस नाम से संबोधित किया जाता था जैसे कि आरिज मुमा, मुमालिक को हम लोग सैन्य विभाग का प्रधान बोलते थे वरिद मुमालिक को उस समय गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था सद्र उस सुदूर सद्र उस सुदूर जो होता था वो धार्मिक विभाग का धार्मिक विभाग का प्रधान होता था अमीर याकुर जो होता था वो अश्वशाला का प्रधान होता था सर ये जानदार जो होता था सुल्तान के अंगरक्षक का अंगरक्षकों का प्रमुख होता था अमीर हाजिब जो होता था दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था जिसके अधीन एक महालेखक परीक्षक होता था एक और हम टॉपिक देख लेते हैं इसमें दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य तो दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ किसने कराया और उसका जो साहित्य कौन कौन सा था उसको हम लोग देख लेते हैं जैसे कि दिल्ली का सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो कौन था तो दिल्ली का सुल्तान वही फिरोज शाह तुगलक था जिसने अपनी आत्मकथा तुगलक फिरोज शाही में लिखा है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया तो वही सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण किस कराया था था तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया हिंद के नाम से विख्यात यानी कि हिंदुस्तान का तोता के नाम से विख्यात इसको बोला जाता था अमीर खुदो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था तथा तो तो वे कवि इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे तो पहले तो बुद्ध तो शुद्ध तो तो इस्लामी सलीम से निर्मित हुआ तो बलबन का मकबरा था किताबुल हिंद के लेखक का नाम क्या था तो अलबरूनी आमिर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई तो खड़ी बोली में निभाई सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य देख लेंगे और यहाँ पे आ सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य देख लेते हैं तो प्रमुख इमारतें हैं और उसके निर्माता कौन कौन हुए उसको देखेंगे हम तो कुतुब कुतुब मीनार की स्थापन माता जो करने वाले का नाम था तो कुतुबुद्दीन एबक था कुबतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन एबक ने बनवाया ढाई दिन का झोपड़ा जो था वो कुतुबुद्दीन एबक ने ही बनवाया सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो था वो इल्तुतमिश ने बनाया इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया हौज शमसी व शमसी ईदगाह जो था वो इल्तुतमिश ने बनवाया बलबन का मकबरा जो था वो बलबन ने बनवाया सीरी का जो किला था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया बनवायाउद्दीन खिलजी ने बनवायाउदीन खिलजी ने बनवाया अलाई दरवाजा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था ऊखा मस्जिद जो है उसका निर्माता के नाम को हम देखेंगे तो मुबारक शाह खिलजी है तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कौन बनवाया तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रंथ कुछ ग्रंथ है यहाँ पे और उसके ग्रंथ के लेखक के नाम है जैसे कि संगीत राणा कुंभा उसके लेखक है रागमाला के पुनरिक विट्ठल है ताजुल मासिर के हसन निजामी है तारीख दिल्ली खुसरो हैं तारीख मोहम्मदी मोहम्मद मुँध बिन मोहम्मद विहमद खान है तारीख हिंद अल बरूनी है तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी है फतवाह जहाँ दारी जियाउद्दीन वर्णी है खजाइन उल फुतुब अमीर खुसरो हैं तारीख जो है, है। तबकात नासिरी के सिराज हैं रेहला के इब्न बतूता हैं नेक्स्ट है नेक्स कि किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया कि है तो फतवा ए दारी में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया तो दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण संरक्षण प्रदान किया था हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में का सर्वश्रेष्ठ मिशन किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है तो सितार को माना जाता है अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन काल देखा था नेक्स्ट है कि नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सैली का जन्मदाता किसे कहा जाता था तो अमीर खुसरो को कहा जाता था नेक्स्ट है कि संगीत तंत्र तबला का आविष्कार किसने किया तो अमीर खुसरो ने किया था अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किया था किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी किस राजपूत शासक के संगीत पर एक संगीत पर ही उन्होंने एक पुस्तक की रचना कर दी थी वो कौन थे तो राणा कुंभा थे नेक्स्ट देखेंगे कि पाकिस्तान यहाँ पे लाहौर जो पाकिस्तान में अभी है को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में माना जाता है यहाँ पे एक भक्ति और सूफी आंदोलन का टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो सूफी संप्रदाय अगर शुरू अगर होता है तो सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ सूफी संप्रदाय की शुरुआत होती है सूफी संतों के द्वारा की जाती है यानी कि उर्दू भाषा का प्रारंभ यहाँ से शुरू होता है तो दो भागों में ये बांटा बासरा मतलब इस्लामी कानून के समर्थक थे और वे जो थे वो इस्लामी कानून से मुक्त थे एक बार फिर से बासरा जो थे वो इस्लामी कानून के समर्थक थे और बेसरा जो थे बेसरा जो इस्लामी कानून से मुक्त थे और वास बासरा जो था वो यहाँ पे चार भागों में बट गया जैसे कि चिश्ती सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला कादरी सिलसिला नक्सबंदी सिलसिला तो अब फिर ये कादिर सिलसिला चिश्ती सिलसिला जो था उसके भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे सुहरावर्दी सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक सिहाउद्दीन थे कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादरी जिलानी थे नक्शबंदी सिलसिला के भारतीय प्रचारक कौन थे तो ख्वाजा मोहम्मद वकीबुल्लाह बिल्लाह बेरंग थे अब भारतीय संस्थापक ख्वाजुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे उसको देखते हैं वो कहाँ पे प्रसार हुआ उसका तो दक्षिण भारत में प्रसार हुआ और उत्तर भारत में प्रसार हुआ दक्षिण भारत में हम लोग यहाँ पे दो जगह देखेंगे कि दक्षिण भारत में, में हीन गरीब और ने प्रचार प्रसार किया और दक्षिण एक गेसुद राज ने भी किया दक्षिण भारत में अब यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार कौन किया यानी कि किस चिश्ती सिलसिला का जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे तो उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार करने में यहाँ पे पांच लोगों का नाम आता है जैसे कि काकी बाबा फरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया जो फरीद के शिष्य थे और हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसरुद्दीन चिहागे देहलवी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था तो अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा किया गया था कबीर किसके शिष्य थे तो संत रामानंद के शिष्य थे बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शक में जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था तो वैष्णव कहा जाता है राम, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है तो वैष्णव कहा जाता है कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है तो अमर मूल है नेक्स्ट देखते हैं कि सिलसिला यहाँ पे और संस्थापक का नाम दिया गया चिश्ती सिलसिला जो है उसके संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक सियाव, बुद्दीन सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया हैं जो भारत से हैं कादरी चिश्त कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादरी अब्दुल कादिर जिलानी हैं सतारी सिलसिला के शाह अब्दुल्ला सतारी हैं फिरदौसी के शेख बदरुद्दीन हैं नक्शबंदी के बाकी बिल्ला है रामानुजा चार्ज ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है तो विशिष्ट द्वैतवाद को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे यह कथन किसका है तो संत रामानंद का है कामरूप जो असम में है में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया तो शंकर देव ने बनाया शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था तो वल्लभाचार्य ने किया था भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था और किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश प्रचार हेतु तो सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था तो रामानंद ने किया था बीजक के रचयिता कौन थे तो कबीर थे संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है तो 12 गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था तो ननकाना साहब तलवंडी जो अभी पाकिस्तान में है उपाधियां यहाँ पे देखेंगे तो चिराग ये देहल इसकी उपाधि जो मिला था वो शेख नसरुद्दीन मोहम्मद जो सूफी संत है उनको मिला था महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया मुजिद जो थे शेख अहमद सरहिंदी बंदार नवाज जो था वो सैयद मोहम्मद गेसु दराज को था नेक्स्ट देखेंगे कि दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नैनात जो तिरसठवें संत थे और तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार जिसके बारह संत है कहा गया है पे पे भारत की में मैप के थ्रू समझाने कोशिश किया गया कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो त्रिमूर्ति थे वो गुरु नानक थे कबीर थे, थे और रायदास थे और महाराष्ट्र में भक्त भक्ति संतों का कालक्रम जो है वो नामदेव का था बारह से तेरह ज्ञानदेव का बारह से, से बारह सौ छियानवे एक नाथ का जो था वो तेरह सौ मैं जूम कर देता हूँ एक नाथ का जो तेरह सौ सॉरी पंद्रह सौ तैतीस से पंद्रह सौ नवे राम का जो था वो पंद्रह सौ सो अठानवे सोलह सौ सो पचास ईस्वी था रामदास का सोलह सौ आठ से सोलह सौ सो इक्यासी ईस्वी था अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग्य में कहाँ पे कौन सा आ, मतलब धर्म उस समय था भक्ति आंदोलन या फिर कहाँ कहाँ पे हुए थे तो यहाँ पे देखेंगे गुरु नानक जो पंद्रहवीं से सोलहवीं शताब्दी थे सबसे ऊपर पंजाब में वहां पे गुरु नानक जो जी थे फिर नीचे देखते हैं कि राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में सुंदर दास पंद्रहवीं से सोलहवीं शताब्दी तक थे और दादू दयाल भी वहीं पे थे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सूरदास हुए सोलहवीं से सत्रहवीं शताब्दी के मध्य कबीर हुए पंद्रहवीं शताब्दी में ये उत्तर प्रदेश में ही है रैदास जो है वो पंद्रहवीं शताब्दी में बल्लभाचार्ज पंद्रहवीं से सोलहवीं शताब्दी तुलसीदास जो थे सोलहवीं से सतराहवीं शताब्दी में थे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बिहार में हम देखेंगे तो चैतन्य सॉरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल में चैतन्य देव हुए पंद्रहवीं से सोलहवीं शताब्दी में मेघालय की बात करें तो शंकर देव हुए पंद्रहवीं से सोलहवीं शताब्दी में फिर यहाँ नेक्स्ट देखते हैं नीचे की ओर आते हैं तो गुजरात में आते हैं हम गुजरात में तो मीराबाई जो सोलहवीं से सत्रहवीं शताब्दी में हुई फिर नरसिंह मेहता पंद्रहवीं शताब्दी में हुए अगर फिर महाराष्ट्र में बात करें हम तो महाराष्ट्र में देखते हैं तो रामदास सत्रहवीं शताब्दी एकानाथ सोलहवीं शताब्दी जनेश्वर जो तेरहवीं शताब्दी में थे तुकाराम सोलहवीं शताब्दी ज्ञानदेव बारहवीं शताब्दी नामदेव तेरहवीं से चौदहवीं शताब्दी अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें या फिर अभी जो वर्तमान का तेलंगाना क्षेत्र की बात करें तो बसवन्ना जो थे वो बारहवीं शताब्दी और रामानुजन चार जो थे वो दसवीं से ग्यारहवीं शताब्दी पुरंदर दास जो थे वो पंद्रहवीं से सोलहवीं शताब्दी और माधवाचार्य जो थे वो कर्नाटक में थे ग्यारहवीं से बारहवीं शताब्दी तमिलनाडु की बात करें तो निम्बकाचार्य चार्ज थे निम्बारकाचार्ज थे वो बारहवीं शताब्दी और केरल की बात करें तो नम्मा लवार नौवीं शताब्दी शंकराचार्य ग्यारहवीं से बारहवीं शताब्दी मनिकवा वचगर 9वीं शताब्दी ठीक है तो ये हाँ पे मैप के थ्रू दिया गया एक है? Next, देखते हैं कि मत उनके परवर्तक। जैसे कि ये प्रश्न पूछा जाता है सिद्धांत अद्वैतवाद का जो मत था किसने दिया था तो शंकराचार्य मतलब उसके प्रवर्तक थे विशिष्टा द्वैतवाद का जो था वो रामानुजाचार्य था द्वैतवा द्वैता द्वैतवाद का जो मत था वो निम्बारकाचार्ज थे सुधा, सुधा का जो बल्लभा द्वैतवाद केवल माधवाचार्य भेदा भेदावाद भास्कराचार्य विशिष्टा द्वैत श्रीकंठ अंचित्य भेदा भेदवाद बलदेव थे वीर शैव जो थे वो विशिष्टा द्वैत श्रीपति थे अविभाग द्वैत जो थे वो विज्ञान भिक्षु थे हम यहाँ पे देखते है हैं संत व उनके संप्रदाय जैसे कि संत रामानुजन चार जो थे उसके संप्रदाय श्री संप्रदाय था मतलब उन संप्रदाय से बिलोंग करते थे माधवा जो थे ब्रह्मा संप्रदाय बल्लभा रुद्र संप्रदाय संत लाल दास जो थे वो लाल पंथ संप्रदाय गोविंद प्रभु जो थे वो महानुभाव एक जो थे वो वरकरी संप्रदाय एक नाथ एवं तुकार व ज्ञानदेव जो थे वो वरकरी संप्रदाय रामदास बोध जो थे धरकरी संप्रदाय माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय शंकर देव महापुरुषीय संप्रदाय निम्बार्क जो थे वो सनक संप्रदाय स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय जगजीवन साहब जो थे वो सतनामी संप्रदाय चंडीदास जो थे वो बाउल संप्रदाय पुरंदर दास जो थे वो दासकुट संप्रदाय और नित्यानंद गोस्वामी जो थे वो चैतन्य पंथ के संप्रदाय थे से बिलोंग करते थे गुरु नानक जो थे वो सिख संप्रदाय दादू दयाल दादू पंथ निपक्ष संप्रदाय हित हरिवंश राज बल्लभ संप्रदाय रामानंद रामो संप्रदाय श्री चंद्र गुरु नानक के पुत्र जो थे वो उदासी संप्रदाय जयनाथ जो थे विष्णोई संप्रदाय निरंजन जो थे वो कनिरंजनी संप्रदाय रायदास जो थे रायदासी संप्रदाय से बिलोंग करते थे अब यहाँ पे दक्षिण भारत में हम देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुआ तो विष्णु भक्त दो भागों में भागों में बंट गए थे तो भक्ति आंदोलन दो भागों में बटे एक विष्णु भक्त जो थे और एक शिव भक्त थे तो विष्णु भक्त को अलवार संत जाना गया और शिव भक्त को नयनार संत जाना गया तो अलवार संत में विष्णु भक्त को अलवार संत बोला गया ये जो थे वो चार लोग थे एक नामालवार थे मधुर कवि अंडाल महिला और कुलशेखर और नयनार संत में कौन कौन थे तो निरुना निरुना बुक रसु अपर जिसको बोला जाता था तिरु ज्ञान संबंदर सुंदर मूर्ति मणिक वाजकर नेक्स्ट देखेंगे कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन काल में की थी तो सिकंदर लोधी के शासन काल में की थी चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे तो चैतन्य महाप्रभु वो थे वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे तो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है तो फरीदून गज ए शंकर बाबा फरीद मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष बारह सौ निन्यानवे प्रयोग में हुआ प्रयोग नहीं प्रयाग में हुआ था बारह सौ निन्यानवे जो इलाहाबाद को बोला जाता है ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है तो सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह फिर से पुनर्जीवित हुए थे भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे तो जहांगीर के समकालीन थे भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा तो उसकी जाति नहीं पूछता है आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है तो गुरु नानक का है नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि रामचरित मानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है तो रामचरित मानस के रचयिता है वो तुलसीदास है प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहां स्थित है तो देवा शरीफ यानी बाराबंकी उत्तर प्रदेश में स्थित है शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे तो बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहा स्थित है तो हजरत निजामुद्दीन यानी कि दिल्ली में स्थित है सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख गज ये ए शंकर यानी कि बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे तो फतेहपुर सिकरी आगरा में निवास करते थे शेख उल हिंद की पदवी किसने किसे प्रदान की गई थी तो शेख सलीम चिश्ती

रचिता कौन थे तो बारह मासा मोहम्मद मालिक मोहम्मद जायसी जो थे दारा सिको द्वारा लिखित सिर अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया था कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी तो रसखान ने की थी निजामुद्दीन औलिया ने, ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था तो अलाउद्दीन खिलजी से इनकार कर दिया था आदि शंकराचार्य जो था उसके द्वारा स्थापित चार पीठ हैं उसको देखते हैं जैसे कि श्रृंगेरी पीठ जो है वो शिव भगवान से संबंधित है इसका जो स्थल है वो मैसूर में है और कर्नाटक राज्य में है गोवर्धन पीठ बलभद्र व सुभद्रा से संबंधित है और इसकी जो स्थल है वो पूरी यानी कि जो राज्य है उड़ीसा में है शारदा पीठ जो है वो कृष्ण से संबंधित है शारदा पीठ का स्थल जो है द्वारिका में है और द्वारिका कहाँ है तो गुजरात में है ज्योतिषपीठ यानी कि विष्णु भगवान से संबंधित तो है ये कहाँ पे स्थित है तो स्थल है बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड में स्थित है सन, संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बारकाचार्ज ने द्वैता द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड मुगल वंश को लेकर के मिलेंगे हम और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो कोशिश कीजिएगा एक से दो बार इसको देखने का तो आपको याद हो जाएगा और और भी सारे सब्जेक्ट का वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड आगे नेक्स्ट एपिसोड आ, किया जाएगा शाम तक कर दिया जाएगा और पीछे भी और बहुत सारे एपिसोड को अपलोड किया गया है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं और आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जी एस आई एजुकेशन के साथ आप लोग जुड़े रहिए हमेशा और मैं कोशिश करूंगा कि और भी मटेरियल जो है मैं आप लोगों को बीपीएससी प्री के लिए दरोगा के लिए ई के लिए और आने वाले सभी आगामी एग्जाम के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं अवेलेबल करवाऊँ और बहुत जल्द ही करवाऊँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जैसे कि नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो इसलिए थोड़ा सा देरी हो रही है तो इसके लिए माफी चाहते हैं और चलिए और सोशल मीडिया के थ्रू मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और फिर से एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ मटेरियल ये सब अवेलेबल कराए जाते हैं और जो भी नोटिफिकेशन होगा वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जीएसआई को एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए